बेसिकली अगर आपको परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन चाहिए होगा तो आपको रात को बहुत जल्दी से सोना होगा मॉर्निंग में, तभी जाके हम जल्दी से उठते हैं। बेसिकली हम सब टीनेजर्स का प्रॉब्लम हो चुका है कि रात में बहुत लेट से सो, मोबाइल देखो, ये देखो, दो तीन ऐसे बचा देते हैं और मॉर्निंग में फिर उठा नहीं जाता 9-10 के पहले। सभी के प्रॉब्लम हैं हमारे एज के। सो अभी इसको हमें स्प्लिट करने के लिए मतलब रात में जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है, तभी जाके हम ना आफ्टरनून में प्रोडक्टिव नहीं बनते, मॉर्निंग में प्रोडक्टिव बनते। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बांध रही बाल बिकॉज मुझे फ्रेशन अप होना था इसलिए, एंड फ्रेशन अप होते ही मैं ले लेती हूँ काढ़ा जो कि मुझे लेना रहता है मॉर्निंग में, एंड पानी पीती हूँ। एंड आफ्टर दैट जो भी ये सारी चीज़ें हो गई उसके बाद मैं जाती हूँ लाइक कृष्णा के पास प्रे करने के लिए, एंड उसके बाद में थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, बाकी काम सब मैं बाद में कर देती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में बहुत अच्छी एनर्जी रहती है, तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेने के बाद ही मैं बाकी चीज़ें करती हूँ। फिर ना थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगता है जैसे, तब मेरी मतलब पढ़ाई ख़त्म होने लगती है। ऐसा मेरा टाइमिंग वगैरह नहीं है, मैं एक्यूरेटली नहीं बैठती हूँ, जब तक कि मेरा मन लगता है तब तक कि मैं बैठती हूँ पढ़ती हूँ, और जैसे मुझे थोड़ा सा उजाला दिखे फिर मैं बंद कर देती हूँ मेरे बुक्स और निकलती हूँ बाहर, क्योंकि मॉर्निंग की जो धूप रहती है, मॉर्निंग की जो हवा रहती है, मैं क्या बोलूँ, बहुत फ्रेश ना फील करते हैं। और यही हम उठ के ना आफ्टरनून में नहीं कर सकते, जैसे हम मॉर्निंग में लेट उठते हैं, और ये समर वेकेशन के डेज हैं मेरे, तो मैं ऐसे बिता रही आपको बोल रही, उसके बाद में मैं बेडशीट लगाती हूँ, फिर थोड़ा मेस भी कम हो जाता है ना, इसलिए उस फिर बेडशीट लगाने के बाद अच्छे से सारी चीज़ें लाइक पीलो कवर्स पीलो सब अपने जगह पे रखती हूँ। टू बी ऑनेस्ट ना मॉर्निंग में ना अगर कुछ भी थोड़ा सा मेस दिखे घर में बेडशीट में, तो फिर ना कुछ चीज़ें करने की इच्छा ही नहीं होती, तो इसके लिए मैं ट्राई करती हूँ जैसे मैं बेड से उठ जाऊँ वैसे ही बेडशीट लगा लूँ। तो यह मॉर्निंग का व्यू आप देख सकते हो कि इतना उजाला हो चुका है सुबह सुबह। तो मैं मॉर्निंग में बाहर आ गई, फ्रेश हवा चल रही थी जैसे कि मैंने बोला, एंड या इसके बाद में मैं स्किपिंग रोप लेने के लिए आई थी। आप देख सकते हो चंदा मामा और सूरज मामा साथ साथ दिखेंगे इसके बाद में आपको, थोड़े से सूरज मामा आने के बट मॉर्निंग में चंदा मामा दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो स्किपिंग कर लेती मैं ताकि पूरा दिन जो भी एग्जॉस्टिक चीज़ें रहती है, जो भी मतलब पूरे दिन के लिए प्रिपेयर हो जाती हूँ एनर्जी लेके अच्छी सी। तो ये मैं मॉर्निंग में ट्राई करती हूँ करने का। आप देख सकते हो कि मॉर्निंग का व्यू, मॉर्निंग की सनलाइट कितनी ज़्यादा प्यारी है। मैं इसमें घूमती हूँ, मैं बहुत देर तक मैंने बहुत कम शूट किया और व्लॉग में भी डाला क्योंकि बहुत ज़्यादा व्लॉग लंबा हो जाता है इसलिए। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा अच्छी धूप है, प्यारी प्यारी सी। सो ना ऐसे थोड़ा सा घूमने के बाद मैं घर में आ जाती हूँ क्योंकि बाकी काम भी तो करना है, ऐसे थोड़ी बाहर रहूँगी इतना देर। सो या बाकी कामों के लिए आप मॉर्निंग में देख सकते हो इतने सारे पंछी रहते हैं आसमान में और इतनी अच्छी उनकी आवाज़ रहती जो कि मैंने म्यूट करके रखी है क्योंकि बहुत ज़्यादा बाकी की भी आवाज़ आ रही थी, तो फिर उसके बाद में देना पड़ता नहीं, मुझे अच्छा लगता है इनको पानी देना क्योंकि पहले नकली पेड़ हुआ करते थे मेरे घर में प्लांट्स, बट अभी नहीं है। फिर उसके बाद में मैं एक्सरसाइज के लिए चेंज करती हूँ, एंड एक्सरसाइज के लिए मैं इनको फॉलो कर रही आजकल, आपको भी लगे तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हो क्योंकि ये बहुत अच्छे कोर वर्कआउट्स सिखाती है। बेसिकली कुछ दिनों से ना मेरा ट्रेनर नहीं है, तो मतलब मैंने ही नहीं रखा उनको बेसिकली, क्योंकि मैं ऑन एंड ऑफ करती हूँ, तो वो बोले कि अभी जाने दो मैं सिखाऊंगा ही नहीं तुम्हें। तो मैं ना यूट्यूब से सर्च करती हूँ, मुझे कोर वर्कआउट के लिए मैं मतलब बहुत सारे हैं यूट्यूब चैनल, उनको फॉलो करती हूँ, बट ना जुम्बा के लिए एक है डांस विद दीप्ति, उनको मैं ऑलवेज फॉलो करती हूँ। मतलब इवनिंग में जैसे मॉर्निंग में मेरा नहीं हुआ कोर वर्कआउट, तो मैं क्या करती हूँ ना इवनिंग में जुम्बा कर लेती हूँ, फिर वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है। जैसे ही मेरा वर्कआउट एंड हुआ वैसे ही मैं ना जाके थोड़ा देर रुकती हूँ, पानी वगैरह पीती हूँ, बैठती हूँ, और वैसे ही मैं जाके बाथ ले लेती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है समर में, मैं क्या बोलूँ। तो इसलिए बाथ लेना इज़ इम्पॉर्टेंट, आप ही समर में बाथ मत स्किप किया करो, ठीक है। विंटर में चलता है एक आध दिन बट समर में नो, ओके। बहुत सारे टीनेजर का ना प्रॉब्लम रहता है कि मॉइस्चराइजर से हमें बहुत ऑयली ऑयली फील होता है, या फिर हमारी ऑयली स्किन है, हम मॉइस्चराइजर लगाए कि नहीं लगाए, कैसे लगाए। तो आपको ना आपकी स्किन टाइप कोई भी हो, आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, और आप जो बोलते हो ना ऐसे अलग ही स्किन पे होता है, तो आप ना अच्छे से आपका फेस वॉश किया करो या फिर स्किन आपकी अच्छे से क्लियर करा करो,
फेस वॉश से, और उसके बाद में मॉइस्चराइजर लगाते ही लगा लेना है आपको सनस्क्रीन। तो फिर तो सनस्क्रीन लगाने के बाद पूरे डे के लिए आप प्रिपेयर हो गए वैसे समझ लेना, क्योंकि सनस्क्रीन इज़ इसेंशियल अगर आप घर में हो तो भी और आप बाहर में हो तो भी, क्योंकि यूवी रेडिएशंस के वजह से ना हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, आप बोल सकते हो ईजी वर्ड्स में। इसीलिए आपको सनस्क्रीन स्किप नहीं करनी, और ये जो छोटी सनस्क्रीन ना मैं बाहर लेके जाती हूँ क्योंकि मतलब इजी टू अप्लाई होती है, और उसके बाद में SPF वाला लिप बाम, दैट्स इट फॉर द डे। तो उसके बाद में मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी कर लेती मैं, ब्रेकफास्ट पता नहीं मैंने टेक्स नहीं ली थी इसलिए ब्रेकफास्ट नहीं दिखा सकी, बट मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ अच्छे खासे लंबे टाइम के लिए, फिर जब तक कि मतलब 11 o'clock तक के बोल सकते हो आप, ऐसे पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। फिर जैसे मेरा पढ़ना हो जाए उसके बाद में मेरे मॉर्निंग के मतलब मेरे मॉर्निंग के थोड़े काम डन हो जाते हैं, आप बोल सकते हो मेन टास्क जो रहते हैं वो मैंने उसको अचीव कर लिया रहता। उसके बाद में आते जो मेरे यूट्यूब के टास्क है, सो इस वीडियो में ही मैं आपको बताने वाली हूँ आगे कि मैं शूट कैसे करती हूँ एंड ऑल। सो या लेट्स गो। तो बेसिकली मेरा सिंपल सा सेटअप है, यहाँ पे मैं कुछ ऐसे रिंग लाइट वगैरह से फैंसी सेटअप नहीं है, मेरा एक ट्राईपॉड है उस पर मैंने फ़ोन लगाया है, उस पर मैं शूट करी, मैं दो फ़ोन लगा के शूट करी गाइस, क्योंकि आपको मुझे बताना है इसलिए। फिर उधर से आता है मेरा भाई पानी लेके मुझे, क्योंकि मुझे लगती है प्यास और मैं पानी पी रही, साथ ही साथ मुझे इसके बाद भी शूट करना है। और ये ना लंबा आपको लग रहा होगा बहुत कम, बट ये ना बहुत बड़े बड़े शूट्स रहते हैं, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, 3 बज गए थे ऑलमोस्ट मुझे। सो शूट करते करते ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कभी ना हम वीडियो चालू ही नहीं करते, कभी कभी लाइट का प्रॉब्लम आता है एंड सो मैनी थिंग्स। तो बहुत मज़ा भी आता है शूट करने में और एट द सेम टाइम ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आते हैं। तो बेसिकली ये था मेरा समर वेकेशन वाला सम रूटीन, और जो भी था वो मैंने रियलिस्टिकली आपको बताया। आपको वीडियो कैसे लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, वीडियो के लिए सजेशंस देना है, एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड खुद की केयर करें, सबकी केयर करें।